संगम शरणं गच्छामि। तो अब हम करने वाले हमारा नेक्स्ट प्रॉब्लम, जिसका नाम है मिरर ऑफ महात्मा गांधी। इस प्रॉब्लम में हमें क्या गिवन है, इस प्रॉब्लम में हमें ना एक नंबर गिवन होगा जो कि n है, और उसमें हमें क्या बताना होगा, द नंबर वॉज कॉल्ड लकी इफ दैट्स इक्वल इट्स मिरर इमेज। मतलब अगर वो जो नंबर है और उसकी जो मिरर इमेज बनेगी, अगर वो दोनों इक्वल होती हैं, तो इसका मतलब वो जो नंबर है वो लकी नंबर माना जाएगा। तो हमें यही बताना है कि जैसे हमें मान लो, जैसे ये नंबर गिवन है, ये लकी है या नहीं, ये येस और नो में बताना है। तो अब अगर हम इस क्वेश्चन में कंस्ट्रेंट्स को ध्यान से देखें, तो नंबर ऑफ टेस्ट केसेस तो हमारे पास छोटे दे रखे हैं, लेकिन जो एन की वैल्यू है ना, वो 10^100 तक आ रही है। तो इसके लिए हम ना इस नंबर को जो है ऐसे इंटीजर की फॉर्म में नहीं ले सकते, हमें इसे ना स्ट्रिंग की फॉर्म में लेना पड़ेगा, जिससे कि ये जो हमारे कंस्ट्रेंट्स है ना, ये उसके अंडर आ जाएं। तो हम क्या करेंगे, हम ना सबसे पहले तो नंबर ऑफ टेस्ट केसेस इनपुट देखेंगे, और उसके बाद ये जो नंबर है इसे स्ट्रिंग की फॉर्म में इनपुट लेंगे, और फिर हम चेक करेंगे कि हमारे पास ये जो नंबर है ये लकी नंबर है या नहीं। लकी नंबर हम कैसे देखेंगे कि सबसे पहले तो लकी नंबर के लिए क्या होना चाहिए, वो मिरर इमेज के बराबर होना चाहिए। अब मिरर इमेज कैसे देखते हैं, एक मिनट, अब एक काम करते हैं, इन दोनों टेस्ट केसेस को ना मैं जैम बोर्ड पे लेके जाता हूं और फिर समझाता हूं कैसे देखते हैं हम इस लकी नंबर को। हाँ, तो अब अगर हम देखें, तो सबसे पहले ना हमें अगर लकी नंबर देखना है, तो लकी नंबर कैसे देखते हैं, तो लकी नंबर देखने का तरीका है कि वो जो नंबर है वो बराबर होना चाहिए किसके, अपने मिरर इमेज के, है ना। तो मिरर इमेज के अगर बराबर होना चाहिए, जैसे मान लो ये 101 है ना, तो 101 अगर ऐसे लिखा जाएगा, तो और अगर इसकी जो मिरर इमेज बनेगी, वो मिरर इमेज में क्या होता है, जो लास्ट कैरेक्टर होता है वो फर्स्ट कैरेक्टर पे आ जाता है ना, ऐसे फर्स्ट पोजीशन पे, फिर ये ऐसे मिरर इमेज जैसे बनती है। तो यही जो नंबर है ये इसके बराबर हो जाएगा, मतलब ये जो चीज़ है ना, तो ये 101 इसके बराबर हो जाएगा। लेकिन अगर हम इस केस में देखें, ये वाले केस में, तो मिरर इमेज क्या बनेगी, मिरर इमेज ऐसे बनेगी, ये वाली जीरो इधर है ना, ये जो टू है ये ऐसे इन्वर्ट हो जाएगा, और ये जो वाला जो है ये इधर आ जाएगा। वेट अ मिनट, हाँ, तो ये वाला जो टू है ना, ये ऐसे बन जाएगा, मतलब ये चीज़ बन जाएगी टू की। तो ये क्या बनेगा, ये ना एक जो लकी नंबर नहीं बनेगा, क्योंकि ये जो नंबर है ना ये डिफरेंट हो गया इस नंबर से। तो हमें ये बताना है कि ये जो दोनों नंबर्स है ना, ये सेम है कि नहीं। अगर सेम नहीं है तो फिर हमें नो आंसर देना है, और अगर सेम है तो हमें यस आंसर देना है। तो अब सबसे पहले तो ये देखते हैं कि हमारे पास जो नंबर्स है ना, वो कौन कौन से होंगे जो कि मिरर इमेज में जाके अपनी जो विजुअलिटी है, मतलब जो अकरेंस है ना, मतलब जो एकदम दिखने का तरीका है, वो डिफरेंट ना हो, जिससे कि हम जो नंबर्स है ना जो बनेंगे वो सेम कह सके। तो हमारे पास ऐसे कितने नंबर्स हैं, तो अगर हम 0 से लेके 9 तक देखें, तो हमारे पास कितने नंबर हैं, सबसे पहले तो 0 है, तो 0 जो है अगर मिरर इमेज में देखेंगे तो वो भी ऐसे ही दिखेगा सर्कल में, है ना। और एक उसके अलावा एक 1 नंबर है, क्योंकि जो 1 नंबर है वो भी एक ऐसे स्टिक की फॉर्म में दिखेगा, है ना। ये मिरर इमेज हो गए, ये मिरर के अंदर हो गई करेंस, और ये हो गई प्लेन के अंदर, मतलब जो हम लिखते हैं, ठीक है। तो ये तो हो गया मिरर, और इन दोनों के अलावा एक ऐसा नंबर होता है जो कि 8 है, जैसे कि 8 है ना, तो 8 भी ऐसे ही देखा जाएगा उसमें मिरर में भी। तो ये जो तीन नंबर हैं, हम ये देखते हैं कि हमारे पास यही तीन नंबर हैं जो कि मिरर इमेज में भी क्या देंगे, सेम अकरेंस देंगे जैसी इनकी नॉर्मल उसमें होती है। तो हमें बस यही देखना है कि हमारे पास जो स्ट्रिंग है उनमें अगर इन तीनों के अलावा कोई भी और नंबर आ रहा है ना, जैसे मान लो 3 आ गया है ना, तो इसका मिरर इमेज कैसे बनेगा, इसका मिरर इमेज ऐसे बनेगा। तो ये तो नंबर अलग हो गया ना, तो ये दोनों नंबर बराबर नहीं है, तो इसलिए ये क्या है नंबर, मतलब अगर किसी भी पोजीशन पे अगर ये 3 आ गया तो वो तो एक लकी नंबर नहीं बन पाएगा ना, क्योंकि उसमें तो सारे स्ट्रिंग्स हमारे सारे कैरेक्टर बराबर होने चाहिए। तो वही है, अगर तीनों के अलावा कोई भी नंबर आ गया तो हम ये बोल देंगे कि उसी टाइम ब्रेक करके कि हमारे पास ये जो नंबर है ये लकी स्ट्रिंग नहीं बन सकता। और दूसरी बात क्या है कि लकी स्ट्रिंग बनने के लिए सबसे पहले तो ये तीन नंबर चाहिए, और उसके बाद क्या चाहिए कि अगर मान लो जैसे हम ये चीज़ लिख रहे हैं, हमने 101 की जगह ये चीज़ लिखी, तो हमारे पास ये जो तीनों नंबर हैं ये हैं तो 1 और 0 से बने हुए हैं ना, तो ये मिरर इमेज तो पॉसिबली बना सकते हैं, लेकिन जो इसकी मिरर इमेज बनेगी वो कैसी बनेगी, वो ये चीज़ बनेगी, है ना। तो ये चीज़ अगर बनेगी तो हम देखते हैं कि ये जो दोनों नंबर हैं ये क्या है, एकदम बराबर नहीं है। तो ये
हमें इसके लिए एक और कंडीशन देखनी पड़ेगी कि ये जो नंबर्स है ना, ये पैलिंड्रोम भी होने चाहिए। पैलिंड्रोम का मतलब क्या होता है कि अगर हम जैसे मान लो इसको स्टार्टिंग से देखें, जैसे हमारा 101 ही हमें कंडीशन गिवन है, तो हम क्या देखते हैं, हम यहाँ से नंबर देखते हैं और जो मिरर इमेज में बनता है वो क्या बनता है, ये वाला जो नंबर, ये जो वाला जो नंबर है ये इधर चले जाता है, फिर उसके आगे फिर ये वाला नंबर, ऐसे होता है ना, शिफ्ट होता है, पूरा स्वैप हो जाता है, फर्स्ट वाला लास्ट से स्वैप हो जाता है, मतलब शिफ्ट हो जाता है बेसिकली, है ना। तो क्या करते हैं, अगर मान लो हम ये पेलिंड्रोम है तो इसकी अक्रेंस क्या होगी, ये वाला नंबर इधर चले जाएगा, तो ऐसे ये लास्ट वाला जो है फर्स्ट पे आ जाएगा, फिर सेंटर वाला होगा और फिर जो फर्स्ट वाला है वो लास्ट में चले जाएगा, तो ये दोनों नंबर बराबर हो गए। तो यही दो कंडीशन हमें चेक करनी है। सबसे पहले तो क्या होना चाहिए, ये नंबर जो है पेलिंड्रोम होना चाहिए और पेलिंड्रोम के साथ साथ वो जो नंबर है ना वो इन तीनों से ही बना होना चाहिए। अगर इन तीनों के अलावा कोई भी एक्स्ट्रा नंबर आ गया, जैसे 4 आ गया, तो उसका मिरर इमेज क्या बनेगा, उसका मिरर इमेज ये बन जाएगा ऐसे करके, तो ये क्या एकदम बराबर नहीं है ना एक दूसरे के। तो इसलिए हम कहेंगे कि एक तो ये तीनों से बना होना चाहिए और साथ ही में वो पैलिंड्रोम भी होना चाहिए। तो अब देखते हैं इस क्वेश्चन को कोड कैसे करेंगे बेसिकली। तो अगर हम इसको वो भी देखें, हमारे पास जैसे इमेज भी गिवन थी क्वेश्चन में, तो जो वन है ना वैसे स्टिक की फॉर्म में गिवन है, तो हमारे पास वन इसीलिए हम ले सकते हैं। अगर वन हमारा जैसे ऐसे फॉर्म में गिवन होता ना, अगर हमें क्वेश्चन में जैसे इनपुट में गिवन है कि अगर हमारा वन जो है इस फॉर्मेट में है, तो हम उसे इसमें मिरर इमेज में नहीं कन्वर्ट कर सकते थे, क्योंकि हमारी मिरर इमेज कैसी बनती, इसकी ऐसी बनती, तो ये दोनों नंबर अलग अलग हो जाते ना। लेकिन हमें क्वेश्चन में गिवन था कि जो वन है वो एक स्टिक की फॉर्म में गिवन है, तो ये तो बराबर हो जाता है ना मिरर इमेज से, तो इसीलिए हम वन को भी इंक्लूड कर सकते हैं। तो अब देखते हैं इसको कोड में कैसे करते हैं। तो कोड में करने के लिए हम देखेंगे, हाँ तो सबसे पहले हम कोड में क्या करते हैं, सबसे पहले तो हमारे पास जो नंबर ऑफ टेस्ट केसेस है उसे इनपुट लिया हमने, ठीक है। उसके बाद ये बेसिकली ये जो हम नंबर इनपुट ले रहे हैं ना, ये हम स्ट्रिंग की फॉर्म में लेंगे, मैंने बताया था क्योंकि कंस्ट्रेंट्स काफ़ी बड़े हैं, तो हम क्या करेंगे एक स्ट्रिंग लेंगे और उस स्ट्रिंग में इस नंबर को सेव करेंगे, ठीक है। फिर हम ये चेक करेंगे कि क्या ये नंबर जो है पैलिंड्रोम है और उसी के साथ साथ वो वैलिड भी होना चाहिए। मतलब वैलिड कैसे होना चाहिए, वैलिड मतलब वो जो नंबर है वो उन्हीं तीनों कैरेक्टर से बना होना चाहिए, अगर उन तीनों के अलावा कोई भी कैरेक्टर आ जाता है तो वो एक मतलब मिरर इमेज उसकी पॉसिबल नहीं हो सकती, ठीक है। मतलब मिरर इमेज जो है उसकी वो बराबर नहीं हो सकती उस नंबर से, ठीक है। तो यही दोनों कंडीशन फॉलो होनी चाहिए, एक तो पैलिंड्रोम और वो वैलिड होना चाहिए। अब देखते हैं पैलिंड्रोम कैसे मतलब हम फाइंड करते हैं। तो पैलिंड्रोम के लिए क्या कंडीशन होती है कि हम जैसे क्या करेंगे ना, हमने पहले तो उस स्ट्रिंग को सेव कर लिया एक सब स्ट्रिंग बना के। ये सब एस टी आर क्या करता है, ये एक सब स्ट्रिंग बना देता है। हमने क्या किया, 0 से लेके लेंथ तक की पोजीशन तक एक वही मतलब पूरी स्ट्रिंग को हमने एक दूसरे स्ट्रिंग वेरिएबल में स्टोर कर लिया res, और क्या किया जो ओरिजिनल स्ट्रिंग थी ना हमारी उसको हमने रिवर्स कर दिया। अब हम देखते हैं कि जो रिवर्स करने के बाद जो नंबर बन रहा है, जो मतलब स्ट्रिंग बन रही है, क्या वो बराबर है हमारे इस ओरिजिनल स्ट्रिंग से। तो अगर बराबर है इसका मतलब वो पैलिंड्रोम है, और अगर ऐसा नहीं होता तो वरना हम फॉल्स रिटर्न कर देंगे। और वैलिड कैसे देखते हैं, वैलिड देखने का वही तरीका है कि अगर हमारे पास इन तीनों कैरेक्टर्स में से कोई भी एक और आ जाता है, मतलब कोई भी अगर अलग आ जाता है, तो हम फॉल्स रिटर्न कर देंगे, वरना हम क्या करेंगे ट्रू रिटर्न कर देंगे बस। तो यही हमारा छोटा सा एक कोड था इस क्वेश्चन का। अगर ये दोनों कंडीशन फॉलो हो रही हैं तो येस कर देंगे, और अगर नहीं हो रही हैं तो फिर हम नो कर देंगे। तो बस इतना सही कोड था हमारा।